डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। नैदना देवी से अभी हम लोग जा रहे हैं कफाणी। कफाणी में है मेरी मम्मी का नानके नहीं, मम्मी का घर ही है, मतलब मेरी नानी का जो घर है वहाँ पे जा रहे हैं अभी हम लोग। ऐसा होता है पहाड़ों का रास्ता, ऊपर से नीचे को जाना पड़ता है। गाड़ी पहले ऊपर ही खड़ा रखी थी, फिर बीच में मैं गया था अपना चार्जर लेने, तो उस टाइम पे मैं उसको नीचे ही ले आया, तो अब गाड़ी मैंने यहीं नीचे ही खड़ा रखी है। अब देखना पड़ेगा कि है कहाँ पे, क्योंकि चढ़ा किसी और रास्ते से था और वापस किसी और रास्ते से जा रहे हैं। अभी हम नीचे रोड पे तो आ गए हैं, पर अभी ये नहीं पता लग रहा कि गाड़ी कहाँ खड़ाई है। कपिल को यहाँ पे नीचे को भेजा कि तू इधर को देख के आ, और मैं यहाँ से ऊपर को जा रहा हूँ देखने की कहाँ खड़ी है। जंगलों में यहाँ पे पहाड़ों में ऐसे ही होता है, चढ़े किसी और रास्ते से उतरे किसी और रास्ते पे, तो अब समझ नहीं आ रहा कि आगे उतर गए कि पीछे। वहाँ दिख तो रही है, हाँ वो रही सामने है, मिल गई। अभी ना 3 बजे हैं, 3:30 हुए हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि शाम के 6 बज गए होंगे, और सुबह जब 10 बजे थे तब ऐसा लग रहा था कि 2 बज गए होंगे। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो मॉर्निंग में होता है ना, हमारे वहाँ पे मॉर्निंग में मीठी मीठी धूप होती है और 1-2 बजे के बाद एकदम तीखी हो जाती है, और यहाँ पे 10 बजे के बाद से लेके 12-1 बजे तक एकदम तीखी धूप होती है, और फिर 12-1 बजे के बाद धूप हल्की हो जाती है। अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यह है उत्तम छानी का हॉस्पिटल जो हमारे लेफ्ट साइड में है। ऐसे हॉस्पिटल होते हैं देखो यहाँ पे, यही प्रॉब्लम होती है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती, वरना तो लोग यहाँ पे रहे सब। पर पहाड़ बहुत अच्छे अच्छे हैं। पहुँच गया कफलानी भास्कफाणी, मतलब मम्मी हमारा नान के रियल। हमने ना रास्ते में ये ली थी बाय मिठाई खाने के लिए, तो हम बीच बीच में 1-2 पीस खाते रहते हैं, है ना। अब उत्तराखंड आए हैं तो हर रोज एक बार तो खानी है ना इमली मिठाई, गाजान तक खत्म करनी है, फिर न मिलेंगे। यहाँ जितने भी पेड़ है ना, ये चीड़ के पेड़ है, और चीड़ के पेड़ से निकलती है राल। राल निकालने के लिए दिखाता हूँ आपको क्या किया जाता है। ये देखो सामने ये जो निशान है ना, निशान लगा रखे हैं ये वाले, तो ये निशान लगाए जाते हैं, और फिर ये बीच बीच में ऐसे लाइन है ना सीधी वाली, ये सीधी लाइन, और नीचे एक कटोरी लगा दी जाती है, फिर सारा जितना इसमें से निकलता है वो सारा एक कटोरी में इकट्ठा हो जाता है, फिर उसे बाद में बड़े बर्तन में रख लिया जाता है। ये इसमें भी निकला हुआ है, देखो थोड़ा थोड़ा सा निकला हुआ है ना, ये बहुत सारी चीज़ों में काम होता है, गोंद बनाने के, दवाई बनाने के, जलाने के लिए। ये दोनों लड़कियां चली हैं मायके, तो देखो मायके जाने से पहले कैसे तैयारियां चल रही हैं। मैंने 20 रास्ते में गाड़ी रुकवा दी, पूरा बैग वैग खोल दिया, इवन पापा के भी कपड़े बदलवा रहे हो। देखो मम्मी ने जबरदस्ती पापा के ये कपड़े पहना दिए कि ससुराल जा रहे हो, अच्छे कपड़े पहनो, सुपारी सूट पहना दिया पापा को। यार गद्दी कुत्ता लाऊंगा, गुदगुदा है बहुत ज्यादा, गुदगुदा बहुत बड़े बड़े बाल है इसके, बाल देखो इतने इतने घने बाल तो कपिल तेरे नहीं है। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। जो नीचे गिरे हुए हैं ये है पेरू बोलते हैं इसे, पीरू। ये चीड़ के पेड़ में से निकल के गिरता है और बहुत स्लिपरी होता है और आग भी बड़ी जल्दी पकड़ता है। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। जो नीचे घर है ना, अब देखो उसके लिए रास्ता कैसे है, उसके लिए तो चलो ट्रेल है नीचे, जो ये ऊपर एक और घर है इसके लिए रास्ता यहाँ पे है। देखो ये रास्ता जा रहा है, फिर यहाँ पे ये रास्ता है, ये गया ये फिर उस घर पे जाता है, मतलब अलग से एक अकेला रास्ता उनके घर के लिए ही है सिर्फ। ये ठंडो पानी अब तो रास्ता भी खत्म हो गया भाई, ऐसा रास्ता है।
ठंडो पानी। पापा अपने आप ही जाए जा रहे हैं, पापा को पता है ना, बारात तो यहीं से लाया था मैं। मम्मी और ताई इधर उधर घर देख देख के अपनी बातें याद कर रहे हैं। हम यहाँ पे बैठते थे इस घर में भी हो रहे हैं कि हम इस घर में बहुत बैठते थे। ये पेड़ों के ऊपर रखा हुआ है घास जानवरों के लिए, इसको लूट बोलते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा निकाल के जानवरों को देते हैं, काट के रखा हुआ है ताकि नीचे भी ना रहे और सूखा भी रहे और कोई जानवर वगैरह खा भी ना सके। यह है मम्मी के गाँव का मंदिर, मतलब इन लोगों का मंदिर है ये, सभी परिवारों का अपना अपना मंदिर होता है, तो ये अपने घर जाने से पहले मंदिर में मत्था टेक रहे हैं। यहाँ पे आके तो पूरा रास्ता खत्म ही हो गया है, बस अब यही रास्ता है, पूरा चीड़ से भरा हुआ। कौन सा? अच्छा जो टूट गया। मामा आ जाओ, अभी वो प्रकाश भैया हैं सामने, ये बॉबी है। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट घर में, यहाँ पे ऐसे रास्ते होते हैं, देखो पैर काले हो गए एकदम। आजा 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 आजा, काटेगा क्या? नहीं डर। नमस्कार, हाँ बहुत बढ़िया, नमस्कार। ये क्या है? धनिया मसाला। अच्छा मशीन मशीन से अच्छा कूटा जा रहा है? अच्छा नहीं भाई, ये भल कुटा जा रहा है आपका? ये भल होयो, ये अच्छा होयो। आ देखो कि वहां नो चला गया। यहां पे इनकी ये भैंस के लिए बना रख, ये तो बाथरूम है, ये गाय भैंस के लिए बना रखा है लंटर वाला है। और ये लगे हुए केले, ये लगे हुए केले, अभी ग्रीन हो रखे हैं, कुछ टाइम में हरे हो जाएंगे। अभी हरे हो रखे हैं, कुछ टाइम में येलो हो जाएंगे, पक जाएंगे अच्छे से। यहाँ से दिख रहा है ये पूरा मोहल्ला, वो सामने दिख रहा है गोपाल मामा का घर, और यहाँ साइड से वैसे अब दिख नहीं रहा है, वो ऊपर भी हैं कुछ घर सामने। अभी हाथ मिलाओ। हेलो हेलो, मैं मोबाइल ले जाऊं? ये ले जाऊं? नहीं चाचा नहीं बोल ले जाऊं? ना करे, बोल दे इसको, बोल ले जाऊं? ना दे दे, ले लूं? कुछ बोल भी नहीं दे भाई, हैं?
ये है, इसको क्या बोलते हैं? दातुल। ये है दातुल, ये घास काटने के काम आता है। घास काटते हैं और लकड़ियां वगैरह भी काट लेते हैं थोड़ी बहुत, पर घास ज़्यादा काटते हैं इससे। तीखा है एकदम। ताई ने चप्पलें उतार दी अपनी, पैर फिसल रहे। मम्मी आ रही है नीचे से, हर 100 मीटर बाद रुक जा रही है, कोई ना कोई मिल जा रहा उन्हें। नमस्कार नमस्कार, ठीक है? घास लेके जा रहे हैं भैंसों के लिए। ये लो मम्मी को ऊपर आते ही फिर मिल गई इतनी सही है।